हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के निदेशक मंडल की बैठक निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर BSM की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में ब्रिगेडियर LC जसवाल, कर्नल दुनी सिंह जम्बाल, सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के OSD डॉक्टर विक्रम महाजन, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विजय कुमार चौधरी, पूर्व सैनिक निगम के सचिव हितेश लगनपाल और निगम के उप नियंत्रक केबल कृष्ण भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने निगम की एक वर्ष की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इसके बाद निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के कल्याण तथा आर्थिक उत्थान, सुरक्षा व अन्य सेवाओं में कार्यरत कर्मियों और निगम के कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम फैसले लिए, जो कि काफी समय से लंबित थे। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने में निगम भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निगम की ओर से हिमाचल प्रदेश SDMA COVID-19 SDR फंड में 51 लाख रुपए का आर्थिक योगदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। निदेशक मंडल के सदस्यों ने इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और निगम के नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निगम की पूंजी को सरकारी सिक्योरिटी गिल्ट फंड तथा RBI बॉन्ड में निवेश को भी स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि निगम को ब्याज से और ज्यादा आय हो सके। सुरक्षा कर्मियों व अन्य सेवाओं पर आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मियों को 7 सज्जा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि सीमेंट की ढुलाई को ऑनलाइन करने के लिए निगम ने 17 जून से डिमांड मैनेजर ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रक मालिक अब घर बैठे ही डिमांड में हिस्सा ले सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि मांग आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों ने इस ऐप की सराहना की और खास करके जो बहुत बड़ी चेंजेस मैं कहूंगा वो रही है बरमाना में जो हमारे ट्रक ढुलाई का काम है, और उसमें एक डिमांड मैनेजर जो ऐप है उसका निर्माण हुआ है, और जिसकी वजह से आज जो भी ट्रक ऑपरेटर है उसको वहाँ नहीं आना पड़ता, और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है वो बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल आज घर बैठ के ही उसको आने की ज़रूरत नहीं है। वो मोबाइल ऐप पे ही उसको डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल भर के और उसकी गाड़ी कहाँ लगी, कब लगी, कितने बजे उसको रिपोर्ट करना है, और ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक इफेक्टिवनेस के द्वारा और एक पारदर्शिता के द्वारा उसको सारी चीज़ें जो है उपलब्ध है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि सेना में सेवाएं देने के उपरांत जो जवान 35 से 40 वर्ष की आयु में घर आ जाता है, रोजगार के अभाव में उसके लिए आगे का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। कई जवानों को सरकारी नौकरियों में 15% कोटे का लाभ भी नहीं मिल पाता है, इसलिए निगम पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रोजेक्टों, संस्थाओं, सरकारी विभागों, राज्य तथा केंद्र सरकार के उपक्रमों में सुरक्षा व अन्य सेवाओं में अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के ट्रकों को विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रियों, प्रोजेक्टों, तेल क्लिंकर की ढुलाई का अधिक से अधिक कार्य दिलवाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। खुशहाल ठाकुर ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और अधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण, विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहेगी। हमारा निगम का उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जो 35 और 40 साल की उम्र में घर आ जाते हैं सेना में सेवा देने के बाद, किस तरह प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस तरह उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान किया जाए, या बरमाना, बागा या दारला घाट में जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो ट्रक ढुलाई में लगे हैं किस तरह से उस काम को बढ़ाया जाए, और किस तरह जो है आने वाले समय के लिए कौन से बिजनेस वेंचर्स हैं जिसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप देखते हैं कि आज हालात कोरोना के बाद पूरा बदल चुका है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इसमें
बहुत संतोष दिखाया कि इन सब मुश्किलातों के बाद भी प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हिमपेस्को के प्रयत्नों द्वारा जो जॉब्स में है वो इजाफा हुआ है। हमारा जो आंकड़ा 1800 था वो 2000 के आसपास पहुंचा है जिनको हमने रोजगार उपलब्ध करवाया है, और जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी रही है। इस साल तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। और किस तरह से जो हमारे फील्ड में जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के समय भी जो बद्दी का हॉस्पिटल है परमाणु में है, टांडा मेडिकल कॉलेजेस में है, उन्होंने भी एक कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम निभाया। और किस तरह से जो उनकी ड्रेसेस है, किस तरह उसको चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, वो स्मार्ट दिखें, और ख़ास करके आज जब कॉम्पिटिटिव ज़माना है और सिक्योरिटी गार्ड की जगह से हमारे सिक्योरिटी गार्ड बेहतर देखें, तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के उनके ड्रेसेस के बारे में भी अहम फैसले लिए गए हैं।